हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर दहकोरा गांव में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल विवाहिता का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विवाहिता के परिजनों का आरोप यह है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और ससुराल पक्ष को विवाहिता की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान पर ससुराल पक्ष से पति के साथ साथ सास ससुर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सूचना मिली कि गांव दहकोरा में एक लेडीज ने फांसी लगा ली है, जो यह सूचना कंट्रोल रूम झज्जर से प्राप्त हुई, जिस सूचना पर गांव दहकोरा में पहुंचे, जहां पर मौजूदा व्यक्ति मिले और नाश को मृतक का स्वाति की नाश को फांसी से नीचे उतारा गया था और इस पर लड़की के परिजन भी हाजिर मिले, जो लड़की के पिता रामचंद्र के बयान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और तफ्तीश जारी है।